हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज इंजीनियर सर्वेंद्र कुमार, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लेकर के आया हूँ मैं बहुत ही अच्छा कलेक्शन जो कि रेलवे के लिए है। आप तमाम फ्रेंड्स जो रेलवे के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे लोको पायलट वाला हो या ग्रुप डी का हो या रेलवे से संबंधित आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शंस यहाँ पे देख लीजिए। ये आप यहाँ पे आज सीखेंगे कि रेलवे के जितने जोन हैं उनका स्थापना किस वर्ष हुआ था और उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसको याद करने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम को देख करके आप घबराइए नहीं, मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, आपको याद भी रहेगा बहुत बढ़िया से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ कि रेलवे का जितना भी जोन है, लगभग मुख्य रूप से 16 जो जोन है, उनका स्थापना जो हुआ है मुख्य रूप से 7 वर्ष में हुआ है। मीन्स 1951 में हुआ है, कुछ का 1952 में हुआ है, कुछ का 1955 में, कुछ का 1958 में, कुछ का 1966 में, 2002 में और 2003 में, ऐसे कुछ स्थापना हुए हैं मुख्य जो रेलवे जोन है। मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ कि जो 1951 में हुआ है 3 रेलवे जोन का स्थापना हुआ है, उसके बाद 1952 में 3 रेलवे जोन का स्थापना हुआ है, 1955 में 1 रेलवे जोन का, 1958 में भी 1 रेलवे जोन का, 1966 में जो है 1 रेलवे जोन का, और 2002 में 2 रेलवे जोन, और सबसे ज़्यादा 2003 में जो है 5 रेलवे जोन का स्थापना हुआ है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे कि रहता है मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, ऐसा कुछ रहता है, तो उसको याद कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको बस इतना याद रखना है कि ये 7 साल जो हैं इसको याद रखना है, 1951, 52, 55, 58, 66, 2002 और 2003, ये बस याद रखना है आपको। तो जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ सिंबल दे रखा हूँ, कुछ यहाँ पे ट्रिक है। आप देखिए 1951 जो है, एक सेकेंड, 1951 में कुछ ऐसे रेलवे जोन का स्थापना हुआ जो सर्कल है, यहाँ पे देखिए ये ऐसा सर्कल है, मीन्स वृत्त का आकार वाला जो होगा उसका स्थापना 1951 में हुआ है। वो कैसे हम याद रखेंगे? तो 1951 में स्थापना जो हुए हैं, देखिए 3, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये किस दिशा में होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोग शायद जानते भी होंगे कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उस हिसाब से दिशा का जो निर्देश होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, और बीच में हो गया मध्य ले लीजिए। तो इस हिसाब से अब देखिए, ये पूरा इसको हम लेते हैं, ले लेते हैं सीमावर्ती या तटवर्ती, सीमा ले लेते हैं या तटवर्ती ले लेते हैं, एक बाउंड्री हो गया, तट हो गया, सीमा हो गया, दो चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो ये लाइन है, ये मध्य बिंदु हैं, इन रेखाओं के मध्य बिंदु हैं, ये मध्य पॉइंट पे है, ये भी मध्य पॉइंट पे, ये भी मिडिल पे है, ये भी मिडिल पे है, ये भी मिडिल पे है, ये मिडिल पे है, मीन्स मध्य बिंदु हैं। अब इस हिसाब से ये जब चीज़ याद हो गया कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सीमावर्ती या तटवर्ती और ये मध्य रेखाएं हैं, तो अब इस हिसाब से आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, 1951 में ऐसे रेलवे जोन का स्थापना हुआ है, कैसे रेलवे जोन का, जो सर्कल वाले हैं, तो सर्कल वाले क्या हैं, यहाँ पे देख लीजिए 3 हैं, क्या क्या है, एक तो मध्य में है, तो इसका मतलब मध्य रेलवे का स्थापना हुआ है, दूसरा चीज़ किधर है, पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम रेलवे का स्थापना हुआ है, मध्य रेलवे के बाद पश्चिम रेलवे, उसके बाद नीचे में देखिए ये दक्षिण की तरफ है ना, ये दक्षिण रेलवे का स्थापना हुआ, मीन्स 1951 में यदि देखेंगे तो मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे और दक्षिण रेलवे का स्थापना 1951 में हुआ है, 3 रेलवे जोन का। उसी प्रकार यदि 1952 पे चलते हैं तो 1952 में त्रिभुज आकार का जो है, ट्रायंगल आकार का जो होगा, ऐसे रेलवे का स्थापना हुआ है, तो 1952 में भी 3 रेलवे का स्थापना हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे 1, 2, 3 त्रिभुज का 3 आकार है, तो कौन सा रेलवे का होगा, पहले देख लीजिए पूर्व दिशा में है तो पूर्व रेलवे का, इधर उत्तर दिशा में है उत्तर रेलवे का, और ये जो डायरेक्शन है पूर्व उत्तर, पूर्व उत्तर, पूर्वोत्तर, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये पूर्वोत्तर रेलवे, तो 1952 में जो हो गया पूर्व रेलवे का, पूर्वी रेलवे का, उत्तरी रेलवे का और पूर्वोत्तर रेलवे का स्थापना 1952 में हुआ है, इस हिसाब से याद रखेंगे। यदि 1955 में देखें तो चतुर्भुज आकार का जो है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है, स्क्वायर या चतुर्भुज जो भी है इसको मान सकते हैं, उस हिसाब से 1955 में कितने रेलवे जोन का हुआ, मात्र एक दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, तो ये कैसा है, ये आप देखिए पूर्व और दक्षिण के बीच में, तो पूर्वी दक्षिणी रेलवे इसको बोल सकते हैं, पूर्व दक्षिणी रेलवे भी बोल सकते हैं, तो 1955 में मात्र एक
पूर्व दक्षिणी रेलवे का स्थापना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे यदि देखें 1958 में तो एक्स वाला, एक्स को करके एक्स वाई, देखिए एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे देखिए याद रखेंगे एक्स वाला, तो एक्स वाला मात्र एक है जो कि यहाँ पे देखिए सीमा पे है, यहाँ पे है ना सीमा पे पूरा, तो सीमा पे कहाँ है, पूरब और उत्तर के पूर्वोत्तरी सीमांत, यहाँ पे देख लीजिए पूर्वी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे इसको हम बोल सकते हैं, पूर्व उत्तर और सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत बोल सकते हैं, कैसे पूर्व उत्तर और सीमा पे है तो पूर्वोत्तर इसको बोलते हैं पूर्वोत्तर और सीमा पे तो सीमांत, तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मात्र एक है जो कि यहाँ पे गठित हुआ है 1958 में, याद रखेंगे दिख जाएगा आपको डायग्राम से। उसके बाद 1966 की बात करें जो वाई आकार का होगा, सर्कल घेरा हुआ है वाई आकार का, 1966 में वाई आकार वाला देखिए कहाँ पे है, वाई आकार वाला मात्र एक है ये वाला, यहाँ पे दिख रहा है वाई आकार वाला, तो ये कैसा है ये देखिए, एक तो दक्षिण में है, दक्षिण में है और मिडिल में है, मध्य में है, दक्षिण के मध्य में है, मैंने बोला था ये वाला रेखा जो है मध्य है, तो दक्षिण में और मध्य में, तो दक्षिण मध्य रेलवे का स्थापना जो हुआ है 1966 में हुआ है, मात्र एक रेलवे का स्थापना, तो याद रहेगा। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं जो 2002 में, 1966 के बाद 2002 में जेड आकार के रेलवे का स्थापना हुआ, तो जेड आकार के रेलवे का स्थापना देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दो मात्र है, तो जेड आकार की यदि बात करें तो देखिए एक पहला है ये पूरब में है और मध्य में है, तो पूर्व मध्य रेलवे इसको बोल सकते हैं, और इधर जो देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे, इधर उत्तर इधर पश्चिमी, तो इस बीच में क्या बोलेंगे उत्तर पश्चिमी रेलवे, तो मतलब ये हो गया कि 2002 में दो रेलवे का स्थापना हुआ है, पूर्वी मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे, दो रेलवे का स्थापना 2002 में हुआ है। अब लास्ट में जो यहाँ पे देख लीजिए सातवां, 2003 में जो स्थापना हुआ है पांच रेलवे जोन का स्थापना हुआ है, जो कि ऐसा आकार स्टार है और रेड सर्कल से घेरा हुआ है, ऐसा देख लीजिए कितने हैं, पांच है, एक दो तीन चार और पांच, एक दो तीन चार पांच, तो पांच रेलवे का स्थापना हुआ है, कैसे याद रहेगा यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे देख लेते हैं इधर उत्तर में, तो उत्तर में कहाँ पे, उत्तर में और मध्य में है, तो उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना हुआ है 2003 में, यदि इधर चलते हैं तो पश्चिम में और मध्य में, तो पश्चिम मध्य रेलवे का स्थापना हुआ, तो उत्तर मध्य रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे, और इधर यदि चलते हैं पूरब की तरफ तो पूरब की तरफ देखिए तो पूरब में है लेकिन कहाँ पे, सीमा पे है, मीन्स तट पे है, तो पूर्वी तटवर्ती, पूरब तटवर्ती रेलवे इसको बोलते हैं, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2003 में पूर्वी तटवर्ती रेलवे का स्थापना हुआ है 2003 में। और यदि इस डायरेक्शन में देखें ये वाला कहाँ पे होगा, ये देख लीजिए, एक तो मध्य में है, ये मध्य है ना, तो ये मध्य में तो है, उसके बाद किस डायरेक्शन में है, पूर्व दक्षिण मध्य, पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे इसको बोल सकते हैं, पूर्व दक्षिणी मध्य रेलवे 2003 में पूर्व दक्षिणी मध्य रेलवे का स्थापना हुआ है। यदि यहाँ इस डायरेक्शन में यदि बात करें तो ये सीधा दिख रहा है आपको कि दक्षिणी पश्चिमी रेलवे या पश्चिमी दक्षिणी, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, ये दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, तो इस प्रकार से पांच रेलवे का 2003 में गठन हुआ है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, और यहाँ पे पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे, पूर्वी दक्षिणी मध्य रेलवे, इस प्रकार से यदि इस डायग्राम को दो बार देख लेंगे बढ़िया से और इसको याद रखेंगे क्या उनमें सर्कल ट्रायंगल और स्क्वायर एक्स वाई जेड, बाद में ये सर्कल वाला पांच को जो है, तो इस प्रकार से इस डायग्राम को यदि याद रखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्थापना किस रेलवे जोन का किस ईयर में हुआ था, और सिर्फ ये याद रखना, अपने आप आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा कि जैसे पूछ दिया जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे का कब गठन हुआ है, तो पूर्व उत्तर पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर का कब हुआ है यहाँ पे देख लीजिए 1952 में, और यदि पूछ लिया जाए कि पूर्व दक्षिण मध्य रेलवे का कब गठन हुआ है, तो पूर्व
दक्षिण मध्य, मध्य ये रहा, पूर्व दक्षिण मध्य रेलवे का 2003 में गठन हुआ। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, इनके जो मुख्यालय हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे जो मुख्यालय हैं, रेलवे है, स्थापना दिवस है, जो मैंने बता दिया, सिर्फ मुख्यालय की यहाँ बात करूंगा। मध्य रेलवे का मध्य रेलवे का जो मुख्यालय मुंबई वीटी है, दक्षिण रेलवे साउथ में, दक्षिण में तो चेन्नई है, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट है, पूर्व में कोलकाता है तो पूर्व रेलवे का कोलकाता, उत्तर में दिल्ली है तो उत्तरी रेलवे का नई दिल्ली, पूर्वोत्तर में गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो पूरा यहाँ पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यहाँ पे कोने पे गया था, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मालीगांव, दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर, उत्तरी पश्चिमी रेलवे का जयपुर, दक्षिणी पश्चिम रेलवे का हुबली, उत्तरी मध्य रेलवे का इलाहाबाद, और यहाँ पे देख लेते हैं इसके बाद पूर्वी तटवर्ती रेलवे का भुवनेश्वर, पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर, और मेट्रो रेलवे जो 2010 में कोलकाता बना है, मेट्रो रेलवे का, मेट्रो रेल 2010 में जो हुआ है उसका जो है मुख्यालय कोलकाता है। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको यह पसंद आया होगा यह वीडियो। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए, लगातार मैं रेलवे का यहाँ पे आप लोगों के पास मटेरियल लेकर के आता रहूँगा, पर डे आपको लगभग मिलता रहेगा रेलवे का कुछ ना कुछ मटेरियल। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।